चलो भाई सारे लॉक किया जाए सारे दरवाजे। सो गाइस एक मेरा भी कर दो यार बाल उगाने वाला। पहले कर लेते हैं गाड़ी को न्यूट्रल, हो गई है क्लच दबा के। हेलो गाइस, हियर इज विक्की एंड यू वॉचिंग द हिमालयन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं यहाँ से जोशीमठ की तरफ, और जोशीमठ में आपको मैं दिखाने वाला हूँ दिवाली के मौके में कैसा जोशीमठ का नज़ारा रहता है। सो अभी मेरी गाड़ी हो रही है थोड़ा सा वार्म अप के लिए रखा हुआ है की तरफ, और आप पीछे देख रहे हो ये है आजकल पहाड़ों की हसीन वादियाँ कुछ इस कदर हो रखी है। अभी बर्फ़ पड़ी नहीं है, हल्की हल्की वो पिछले साल की बर्फ़ है, ये देख सकते हो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। उस वाले पहाड़ पे तो कभी बर्फ़ गलती नहीं है, हमेशा उस पर बर्फ़ ऐसी रहती है। सो यहाँ से बातें हो चुकी है ख़त्म, तो इसके बाद मैं आपसे बातें करूँगा मोटो ब्लॉगिंग में। चलिए ओले, इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, गाड़ी में नहीं, वो पे ले जा रहे। तो गाइज मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, अभी मैं स्कॉर्पियो में जाने वाला हूँ। ये भाई की स्कॉर्पियो है, सो मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे। जोशीमठ का आज पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, गाड़ी से ही दिखाऊंगा। यहाँ रख रखा हुआ आपका भाई फुल मोटो ब्लॉगिंग के मूड में था, आपसे कुछ बातें मोटो ब्लॉगिंग में करने वाला था, लेकिन अब मोटो ब्लॉगिंग में नहीं हो पाएगा। हम जाने वाले हैं स्कॉर्पियो में, ये हमारे ड्राइवर साहब आंसू, हेलो, और पीछे बैठे हैं सचिन, और उधर ऋतिक होनिया, होनिया ब्रदर्स। चलो भाई अरे आजकल रोड की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, ऐसे ही चलाना, ऐसे चलाने में क्या था वो न्यूटन चला ऐसे क्या, मैं तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा चला दूंगा, ऐसा कर दूं मैं चला रहा आ जा। यहां देखो गाइस रोड की कंडीशन, और भाई बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाने के लिए डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। हो गया भाई जी, अरे मुझे बंद कर दिया तुमने यार, आप लोगों ने मुझे बंद कर दिया यार। अच्छा ओ भाई यहाँ देख रहे हो सीधा इतना डेंजर स्पॉट पे गाड़ी लगा दिया ना। चलो भाई सारे लॉक किया जाए सारे दरवाजे। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ में, अभी ये जोशीमठ की शुरुआत है, यहाँ पर अभी बहुत दूर है मार्केट, और गाड़ी हमें यहीं पे लगाना पड़ा क्योंकि देख सकते हो गाइस सब ने इधर ही लगाया है, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो इस वजह से गाड़ी हमको लगाने नहीं दिया जाएगा। तो ऋतिक कितने रुपये के पटाखे लेना चाहोगे आप? जितना मिल जाए, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ यार दादा। 2000 years later. सो वेल गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चौराहे पे, जो कि मेन मार्केट है जोशीमठ का, गौरा देवी चौक, और यहाँ पर देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है। दिखाता हूँ भला आपको, दादा 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 दा, कैसे हो? बढ़िया, हमारी भास्कर भाई, भास्कर भाई
तो मैं आपको सीधा मिल चुका हूँ सीढ़ी पे, और ये आई थिंक सीधा गोदाम लग रहा है। सीधा गोदाम में आ गए क्या तुम? सो ऑलराइट गाइज, मैं थोड़ा सा पीछे आ चुका हूँ। अभी भाई शॉपिंग कर रहा है, लड़ी ले रहा है अपने लिए। और मैं पहले तो आपको मैं हैप्पी दिवाली बोलना भूल गया, आप सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी बग्वाल मेरी तरफ से, और होप करता हूँ कि आपकी दिवाली अच्छी रहे। क्या पता ये ब्लॉग एक या दो दिन बाद आए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा एडिटिंग के लिए भी है मेरे पास मैटर काफ़ी। सो चलिए, अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है, अभी भाई ले रहा है तो चलते हैं सीधा वहीं पर। क्या हो भाई, पसंद आया कुछ? नहीं यार भाई, पसंद तो आया पर क्या हो भाई, कलर कुछ जमा नहीं। अच्छा, ये वाला कलर लेना नहीं चाहते हैं भाई को, ये वाला कलर चाहिए लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मीटर में। इसने कहा कि भैया के वहाँ से ले लेंगे सारे। ये वाला कितने का है भैया? कितने का है? पन्नी छोटा हो गया आपका, ये वाला तो ले लेना ना, तो बढ़िया है ये। अरे मैं दे दूंगा आपको, भालू भगाने के लिए बढ़िया भाई, ले लो। साले भालता भी तो ले रहा हूँ मैं। हाँ दो कर लो, पन्नी तो हमने छोटे दे दिया। एक मेरे भी कर दो यार, भालू भगाने वाला। आप मुझे स्काई शॉट बताओ। एक मेरा है, कम पीस है, एक ही पीस इसमें, कम पीस है, एक शॉट लगेगी इसमें, कम पीस है इसमें, कम है ज्यादा। मेरा तो ये दो है ना भाई, एक भालू भगाने वाला मेरे को भी कर दो यार। ये है तेरे दो पीस। हां ये दो है मेरे, दो डब्बे। ये कितने के हैं? 250 के ना। ये पंप कितने के दिए? ये तो है यार। हाँ बेटा तुम सबको भगाऊंगा मैं, एक मेरे को भी दे दो बालू भगाने वाला। 200 का नहीं? पापा को भी देने हैं वो। अच्छा 200 बोल रहा मैं। अच्छा 150 का है ये पीस, और मैं एक लेने वाला हूँ। तो गाइज अभी मैंने सिर्फ बम लिया है, वो भी भालू भगाने के लिए स्पेशली, और अब मैं लेने वाला हूँ। आई थिंक यहाँ पर मेरी डील नहीं बैठ पा रही है, और कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं भाई लोगों को, और कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं। भाई आपने क्या क्या लिया है? ये भाई एक बम लिया है। अच्छा एक बम लिया है, स्पेशली सब लोग बम ले रहे हैं क्योंकि भालू क्षेत्र में रहते हैं सब, इसलिए भालू से पहाड़ी। चल दादा, क्या क्या शॉपिंग कर रहा था? सो गाइस ले लिया है मैंने, 300 शॉट वाला पटाखा ले लिया है मैंने, और इसके बाद अब मैं लेने वाला हूँ गिरुड़ी। गिरुड़ी मिला नहीं वहाँ शॉप में, अब दूसरी शॉप ढूंढेंगे। सो गाइस देख सकते हो, ये है जोशमठ का क्राउड, अब ये है जोशमठ का क्राउड, अब दिख रहा है थोड़ा बहुत। जो यहाँ लोकल मार्केट में रहते हैं वो लोग अब बाहर आ रहे हैं, वरना मॉर्निंग में तो गाँव वाले लोग ही थे सिर्फ। अब हम अपने भाई लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इस भीड़ में खो गए। आई थिंक जहाँ बहुत सस्ता मिलोगा वहीं गए होंगे। तब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, लग तो नहीं रहा मेरे को। राहुल के लिए जो वैसे ही ऑफ करते इसको ले। सो ऑलराइट गाइज, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई और थकान भी ज़्यादा लग चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, वो पूरा बैग भर लिया है, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है मतलब घर के लिए, और पटाखे। अब गाड़ी में बैठते हैं भाई जी, जगह है? हाँ भाई जी बिल्कुल जगह है। सो गाइज पहुँच चुके हैं अब गाड़ी में, अब थोड़ा सा दिखा दो। हाँ भाई, यहाँ है क्या पूरा माल? काफ़ी ज़्यादा माल यहाँ भी दादा, कुछ रोहित के द्वारा हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो यहाँ से 5 किलोमीटर है, और अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ। फाइनली घर पे पहुँच चुके हैं, और अच्छी खासी शॉपिंग भी हो चुकी है आज। अब आप करते हैं वीडियो को एंड, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने भाई का चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।